सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस्का टेक्निवेशन। सो ये सवाल बहुत लोगों का आप लोगों का आ रहा है कमेंट्स में। पहले तो मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतने ज़्यादा सवाल आप लोगों के आ रहे हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो गई है बनानी। कि तारीख तो बढ़ गई, आप लोगों को सबको पता, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, और लेकिन पोर्टल नहीं खुल रहा है, इस वजह से आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि डेट बढ़ा दी गई है। तो कितने बजे से खुल जाएगा, कब खुलेगा, किस दिन खुलेगा पोर्टल, तो उस पर बात करेंगे। आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है, कब खुलेगा, वो पूरी वीडियो को देखना। और हाँ, वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो, फिर आप लोग क्वेश्चंस करने लगते हो बीच में ही। सो वीडियोस को यार पूरा देखा करो तभी, क्योंकि बीच में ही और सारी चीज़ें मैं एंड तक मतलब पूरा देखोगे तभी पता चलेगी क्या अपडेट है। आप उन्हीं वीडियो में बताई चीज़ों को भी कॉमेंट्स में पूछते हो, सो मुझे वहाँ दोबारा बताना पड़ता है, तो पूरी वीडियो देखो तब समझ में आएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, इतने संघर्ष किए, आप लोगों के लिए पोर्टल भी खुल गया है। सो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को यार लाइक कर दो। सो चलिए चलता हूँ कि क्या है। सो ये देखिए, ये वाली अपडेट मैंने आपको पहले दिखाई थी जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ी, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ है, तो अखबार आप खोलो, अखबार में आपको मिल जाएगा ये। तो उसके अलावा ये दूसरे अखबार का भी देखिए अपडेट है, सेम चीज़ लिखी हुई है, शुल्क भरपाई के लिए अब 10 तक आवेदन। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शासन ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है, पूर्व में अंतिम तिथि 7 नवंबर थी। वही चीज़ लिखी हुई है कि एडमिशन बहुत लोगों का नहीं हो पाया था, इस वजह से ऐसा किया गया है। सो ये दसमोत्तर वालों के लिए बढ़ाई गई है, मतलब 10 के जो 10th के ऊपर वाले छात्र हैं उनके लिए बढ़िया देखिए लिखा हुआ है, 10 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। सो और ये बताया किसने है, हरिओम जी जो हैं समाज कल्याण के, उन्होंने बताया है, प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने ही बोला है कि ये बढ़ा दी गई है डेट। सो और आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, सो उसका जवाब मैं देता हूं आपको कि क्यों नहीं खुल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो पोर्टल इसलिए नहीं खुल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, मतलब ये आप लोगों के इतने सवाल थे तो मैं बोल रहा था ना कि ऑफिशियल बयान आएगा, अपडेट आएगा। सो अभी पोर्टल इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ अभी क्या है, समाज कल्याण की तरफ से अनाउंसमेंट है, नहीं वो होता कि पहले से बता दिया कि अब पोर्टल को 10 दिसंबर तक खोल दिया जाएगा। सो अब ये अब मॉर्निंग की अपडेट है आज अखबार में, यानी कल शाम की होगी। सो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक ऑफिशियल उनको सर्कुलर बनाना पड़ेगा उसको, इसके लिए ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट पोर्टल खोल दें, एक ऑफिशियल सर्कुलर बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, इस वजह से अभी तक आपको पोर्टल ओपन होने को नहीं दिखा है। सो सर्कुलर बनेगा, उसके बाद वो लोग पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उसके बाद पूरा डेट वेट निकालने के बाद तब पोर्टल को ओपन करेंगे। सो इस वजह से अभी आपको पोर्टल ओपन होने को नहीं दिखने को मिल रहा है। सो और आवेदन उसमें सारे लोग कर सकोगे, बहुत लोग सवाल आ रहे हैं कि ये कर पाएंगे कि नहीं वो कर पाएंगे, उसमें सारे लोगों के जो रह गए हैं रिन्यूअल वाले या फिर जो नए हैं सबके लिए आवेदन के लिए खुलेगा पोर्टल अगर खुलेगा तो। सो चिंता करने की बात नहीं है। और हाँ अब बता दूँ पोर्टल कब खुलेगा, तो अब मेन चीज़ तो यही आप लोगों के लिए जानना। सो पोर्टल आज शाम तक भी खुल सकता है, इवनिंग तक, मतलब अगर बोल दिया इन्होंने तो इवनिंग तक भी हो सकता है कि दिन भर में वो सारी सर्कुलर और वो चीज़ें कर लें तो इवनिंग तक पोर्टल ओपन हो जाए, लेकिन उसके अलावा एक कम चांस है इस चीज़ के। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये नवंबर चल रहा है, सो हो सकता है आपको 30 नवंबर के बाद पोर्टल ओपन होने को देखने को मिल जाए आखिरी के 10 दिनों के लिए। बहुत मतलब चांसेस हैं कि ये चीज़ भी हो जाए आपको, कि आज 28 है तो 29, 30, अभी कल परसों दो तीन दिन और भी नहीं खुलेगा क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट है लॉक करने के लिए जो विश्वविद्यालयों के लिए। तो हो सकता है 30 नवंबर तक पोर्टल ना ओपन हो, एक चांस है इसका भी। तो हो सकता है एक दिसंबर से पोर्टल ओपन किया जाए, अनाउंसमेंट भले हो गई है। सो अनाउंसमेंट से ही एटलीस्ट कम से कम आप लोग खुश तो हो जाइए कि अच्छी अनाउंसमेंट हो गई, अब इसमें ये पलटी नहीं खाएंगे, अब आपको पोर्टल ओपन करेंगे ही 10 दिसंबर तक, तो तभी भी आपको 10 दिन का टाइम मिल जाएगा। सो अच्छी बात है पोर्टल ओपन हो गया है। सो आप लोग परेशान मत होइए, न्यूज़ मैंने आपको दोनों दिखा दी, ये कोई फेक खबर नहीं है, अच्छी खबर है, सही खबर है। सो चलिए गाइस, वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।